पूजा करने मंदिर जा रहे हैं, तुम घर का काम जल्दी से निपटा लेना। अरे ये तो भैया का फोन है। हेलो बोला। हाँ भैया। अरे हम लोग स्टेशन पहुंच गए हैं, थोड़ा गाड़ी समय से पहले आ गई है। मैंने सरवन को भेज दिया है, अब वो पहुंचता ही होगा स्टेशन। ठीक है। नैना, अरे ओ नैना, अरे कहाँ हो? अरे सरवन कहाँ है? क्या पिताजी? अरे अभी तुम यही हो। अरे स्टेशन कब जाओगे? भैया भाभी कब वहाँ उतर के बैठे होंगे? पिताजी ट्रेन आने में अभी आधा घंटा बाकी है। अरे भाई फिर भी जल्दी करो, अगर तुमको लेट हो गया तो क्या सोचेंगे वो लोग? ठीक है पिताजी। जाओ भाई जल्दी करो। भैया को कहेंगे कि दरवाजे पर चार दीवारी से घेराबंदी करवा दे, फिर सब सुरक्षित हो जाएगा। ऐसा हो जाए तब ना। अरे होगा क्यों नहीं नैना, मेरे दोनों भाई के पास पैसे की कमी थोड़े ना है। एक बैंक मैनेजर है और एक बड़ा बाबू है, दोनों मेरा राम लक्ष्मण है। और आप कृषि मंत्री। देखो नैना मजाक मत करो, हम मजदूर ही हैं, लेकिन तुम्हें आज तक किसी चीज का कमी होने दिया है क्या? अरे मैं तो सचमुच मजाक ही कर रही थी। भगवान ने आप जैसा पति सरवन जैसा बेटा दिया है, इससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए? नैना उन लोगों का बिस्तरा लगा दो, उन लोग अब आते ही होंगे, थके मादे होंगे, आराम करेंगे। अब कुछ खाने पीने का इंतजाम भी कर लो। आप चिंता न कीजिए। कुली, यो कुली, ऑटो। कोई कूली भी नहीं मिलता है, इसलिए गांव आने का मन नहीं करता। अगर बाट बखरा का मामला नहीं होता तो मैं आती ही नहीं। काहे परेशान हो रही? भोला भी तो नहीं आया, कोई चिंता है नहीं? अरे इतना काहे परेशान हो रही हो, आ रहे होंगे। अरे सोचने की ही तो बात है अंकल, इतना सामान जाएगा कैसे? अभी से झमेला शुरू है, इसलिए तो गाँव गया आने का मन है, परेशान। बड़े पापा, आप लोगों तो आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? बड़े पापा नहीं नहीं, तुम दौड़ते हुए आए हो क्या? हाँ इतना तो रोज ही दौड़ते हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन इतना सामान जाएगा कैसे? यहाँ पर तो कोई कुली दिखाई भी नहीं। चिंता काहे को, हम है ना, यह गांव है ना, यहाँ तो सब कुली ही कुली है। अरे इतना सामान तुम अकेले कैसे ले जाओगे? अंकल यहाँ से आधा किलोमीटर पर ऑटो मिलते हैं, सामान को हम ना ले जाएंगे? आप लोग चलिए चलिए। विकी भैया घर से आराम से पढ़ लिखेंगे, चलिए 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 चलिए।
नैना, अरे कुर्सी पोसना छोड़ो, जाके चाय शरबत का इंतजाम करो। अरे वो लोग अब आ जाएंगे। सब तैयार है। अच्छा बिस्किट लाया था ना बाजार से? हाँ। अच्छा शौचालय बाथरूम सब साफ कर दिया था ना? हाँ सब साफ कर दिए थे। अरे वो लोग बड़े आदमी हैं, अपने बड़े भाई पर ही तो सीना ठोकर गर्व से रहते हैं। शायद वो लोग आ गए। बस आ रही है हमारे। अच्छा अच्छा ठीक 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 ठीक। नैना माँ को लेते आओ। तो कैसी है माँ? हम ठीक हैं बेटा, तुम लोग खुश रहो। बस मैं भी खुश हूँ। ठीक है माँ। बोला और नैना ठीक से ख्याल रखती है ना माँ? हाँ बेटा, हर समय सेवा में कोई ना कोई लगा ही रहता है। ठीक ठीक है। माँ चलिए आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए। अच्छा बेटा तुम लोग थक कर आए हो, आराम करो। ठीक है ठीक ठीक है। मोबाइल को छोड़ो, पहले नाश्ता कर लो बेटा। देवर जी नीना इतनी सूख क्यों गई है? नहीं नहीं दीदी, शरीर हल्का रहता तो काम करने में आसानी होती है। अरे अच्छा अच्छा, इसीलिए सूख कर रहती हो। पैदावार कितने रुपए का हुआ था? हाँ भैया, सब पैदावार उस कमरे में बंद करके रख दिया है। सोचा जब आप लोग आएंगे तो विचार करके बेच लूंगा और दरवाजे पर घेराबंदी करा लूंगा, फिर सब सुरक्षित हो जाएगा। अच्छा ठीक है, सोचते हैं। ठीक। देखो रात बहुत हो चुकी है, खाना भी बन गया है, सब मिलके खाना खाएंगे और आराम करेंगे। आप आराम कीजिए माँ जी, हम लोग थोड़ी देर में खाना खा लेंगे। ठीक है, पर जल्दी से आना। ठीक है माँ जी।
भैया। अरे अगले साल का भी पैदावार होगा ना? हाँ भैया, आधा बेचकर खेत में बोरिंग कराया है। अब फसल में पानी की कमी नहीं होती है, बोरिंग ऊंचे खेत में कराया है, हर खेत में सहूलियत से पानी पहुंच जाता है। वाह ठीक है, सुबह खेत देखने चलिएगा ना भैया, सब खेत में मकई लगा दिए हैं। बहुत अच्छा, जरूर जाएंगे। ठीक ठीक। बड़े दिनों बाद आए हैं भला, इतना दिन घर को कोई छोड़ता है क्या? अरे भाई पर्व त्योहार में भी आ जाया कीजिए। क्या करें मास्टर साहब, बैंक की नौकरी फुर्सत ही नहीं मिलती है। मन तो करता है कि 15-20 दिन घर पे आके रहूं, लेकिन बच्चे लोग भी पढ़ने लिखने वाले हो गए। आप ठीक है ना मास्टर साहब? हाँ हाँ सरोज बाबू हम ठीक है। हम लोगों के लिए तो गर्व की बात है और मास्टर साहब सब तो आपकी कृपा है। ठीक है दाऊ चलते हैं। देखिए है ना सूरज, देखो भोला का काम है कितना अच्छा। अरे अपना खेत है देखो कितना अच्छा मकई लगा, देखो वहाँ भी है। लगता है क्या जमाना था, देखो भोला क्या से क्या करती है। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अरे बगेल भाई कैसे हो? प्रभु की दया से ठीक ही हूँ। अरे मेरा फसल तो बहुत अच्छा है भाई, लेकिन ये तुम्हारे खेत का खास्ता हाल क्यों? आपको तो ऐसा है ही, लेकिन आपके उपज का पैसा जाता है क्या? वो तो ठीक कहते हो, हम सब देखते हैं। देखने से क्या होता है जब खेत से एक भी रुपया नहीं मिलता है? अरे इसीलिए तो गाँव आया, आपस में बाँट बखरा कर लेना है। बस बस ठीक है, भोला पूरा पूंजी बना लिया है, मैं आपका खेत बटैया पर कर दूंगा, आपके उपज का पैसा आपके पास जाएगा। ठीक है ठीक है, मुखिया जी और सरपंच जी से मिलाओ। अब आप मिस्टर छोड़ दी, जैसे मुखिया जी घर आते हैं आपको मिलवा देंगे। ठीक है ठीक है, तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है ठीक है, सुनिए सूरज, बंटवारा का काम अगर जल्द हो जाता तो अच्छा रहता। हाँ भैया, अगेल को तो बोले हैं मुखिया जी जैसे आ जाएंगे वो आ जाएगा। प्रणाम मास्टर साहब, आइए आइए। आप ही लोग से तो मिलने के लिए आया हूँ। जी कहिए। सूरज बाबू, अधीरज बाबू, सुनने में आया है कि आप लोग भाई साहब अपने जमीन को बंटवारा कर रहे हैं। हाँ मास्टर साहब, आपने सही सुना, एक न एक दिन बंटवारा तो होना ही है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, इसके पीछे कोई समस्या ना हो इसीलिए बंटवारा जरूरी है। मुझे समझ नहीं आता, बंटवारा करने से कोई लाभ नहीं है, बसा बसाया सामूहिक परिवार तोड़ने से हानि होती है। इसमें लाभ क्या हो रहा है मास्टर साहब, ये भोला तो सब इधर का उधर कर रहा है। नहीं नहीं, भोला ऐसा नहीं है, मैं भोला को जानता हूँ, आपको पता नहीं होगा भोला बहुत अच्छा है। मास्टर साहब आप आज भी 18वीं सदी की सोच रखते हैं। अच्छा चलते हैं। ठीक ठीक है। क्या मुखिया जी से बात हुई थी, अभी घर पर ही है, चलिए सुबह मिलवाते हैं। ठीक है चलिए भैया। ठीक है सरवन, ओ सरवन। क्या पिताजी? अरे भैया भाभी लोग नहीं दिख रहे हैं? वो लोग मंदिर की तरफ घूमने गए पिताजी। अच्छा अच्छा ठीक है। बेटा दुकान से 1 किलो मिठाई लेके आना। हाँ और अच्छा देख कर लेना। जी माँ जी। पिताजी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बोलो? मेरे दिमाग में एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या बात समझ में नहीं आ रहा है, बोलो क्या बात है? इस बार जो बड़े पापा बड़ी माँ और चाचा चाची आई है, हमेशा जमीन के पैदावार के विषय में चर्चा कर रही है और हमसे भी स्टेशन पे पूछताछ कर रही है। अरे बेटा
इसमें न समझने की क्या बात है? अरे वो लोग घर के मालिक हैं, घर के बड़े आदमी हैं वो लोग, तो थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे ही ना। हाँ, और बड़ी दीदी हमसे भी पूछ रही थी कि गाय कैसे खरीदे, तो हमने कहा बैंक से पैसे लेकर खरीदा, फिर पूछ रही थी पैसा चुकता किया कि नहीं। ओह नैना, इसमें ना समझने की क्या बात है? छोड़ो इस सब, जाके अपना काम काज करो। डैडी, हम लोग शहर लौटने का प्रोग्राम कब है? बेटा, 4 दिन अभी और लगेंगे। 4 दिन? 4 दिन में तो बीमार। कल चलिए ना डैडी। अरे समझते तो काई नहीं हो तुम लोग, जैसे ही बंटवारा हो जाएगा हम लोग सब चले जाएंगे। सब्र का फल मीठा होता है बेटा, तुम्हारा ऐसा कोई दूसरा खा रहा है? पता नहीं कितना पैदावार होता है, सब इधर उधर हो रहा है। आप ठीक कहते हैं दीदी, बिना स्वार्थ का कोई आप भगत थोड़ा ना करता है। सब अनाज बेच कर अपना पूंजी बना रहा है और थोड़ा बहुत दिखा देता है। हम लोग अपने हिस्से का जमीन बटाई पर दे देंगे, बंधा बंधवा आता रहेगा और कोई शंका सुहा भी नहीं रहेगा। वैसे भी एक न एक दिन तो बंटवारा होना ही है, देर क्यों करना, घाटा तो होता ही रहेगा। अरे तुम लोग क्या घाटा और नफा की बात करते हो, वो कोई दूसरा है, भाई है। अरे आप ऐसी बुद्धि ने लूटा रखा है। भोला को कोई कमी नहीं है भैया जी, वह नाम का भोला है तो काम का वह बहुत माहिर कलाकार है। देखिएगा जब हिस्सा लगेगा तो बोलेगा यह हिस्से का जमीन नहीं लेंगे, वह हिस्सा नहीं रखेंगे, और पहले से जो पूंजी बना के रखा उसका तो फिर कोई नामे ही नहीं लगेगा। कुछ चला की नहीं चलेगा, पंच जो बराबर हिस्सा लगाएंगे वह मानना पड़ेगा, न कम न ज्यादा। तुम ठीक कहती हो। अरे वह न तो ज्यादा मांगेगा और न ही देने के बाद ज्यादा लेगा। अरे उसे मैं बच्चे से जानता हूँ, वो किस तरह का आदमी है, वो बहुत ही स्वावलंबी आदमी है, वो दूसरे को दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता। अरे ये छोड़िए, जैसा आप कह रहे हैं ना वैसा आदमी लाखों में भी नहीं मिलता है। भैया जी पंच लोग कब आ रहे हैं? भोला, धीरज और सूरज जमीन जगह के बंटवारे के विषय में बात कर रहे थे, कह रहे थे कि अब बच्चे बड़े हो चुके हैं, पारिवारिक बंटवारा करने से भी भलाई है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ मास्टर साहब? बंटवारा? बंटवारा किससे करेंगे? हमसे? हम तो उनका मजदूर हैं, उनके बच्चे हैं, वो हमको अपने से अलग करके बेसहारा बना करके उनको क्या मिलेगा? मैं तो अभागा हूँ मास्टर साहब। मेरे जन्म के बाद मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, माँ और भैया ही ने तो पाला पोसा है, हमको वो अपनों से कैसे अलग कर सकते हैं मास्टर साहब? वो जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, दुनिया की नजर में हमको वो अपने से अलग करके और छोटा क्यों बनाना चाहते हैं? भोला, अधीरी होने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे दोनों भाई पढ़े लिखे पैसे वाले, शहर में उनका मकान है, फिर क्या कमी पड़ गई जो घर जमीन का बंटवारा चाहते हैं? मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ मास्टर साहब, भैया से कहिए अगर उन्हें पैसे की जरूरत पड़ गई है तो सारा जगह जमीन बेच करके पूरा कर ले, लेकिन परिवार पर बंटवारा नाम का कलंक मत लगने दें। हम समाज में बहुत छोटे हो जाएंगे मास्टर साहब। वो मेरे माता पिता के समान, आखिर हमसे क्या गलती हो गई? ना गलती बताए भैया, इतनी बड़ी सजा क्यों देना चाहते हैं? वो बताए तो हम सजा भुगतने के लिए तैयार है। देखो भोला, तुम्हारा दिल बहुत भोला है, यह अभी के जमाने का दस्तूर है, जो गरीब होता है वो प्रेम का भूखा होता है, और जो अमीर होता है उनको और अमीर बनने की भूख होती है, पैसा उनकी कमजोरी बन जाती है, ऐशोआराम का गुलाम होता है, उनकी जरूरत बन जाती है, संतोष खत्म हो जाता है। सब तो उनका ही है। अच्छा भोला, हम चलते हैं, हम जरूर आपके भाई से बात करेंगे।
भगवान ये कैसा दिन आ गया। अरे आप लोग दोनों भाई तो गांव को भूल ही गए। नहीं नहीं मुखिया जी, भला अपने जन्म स्थान को कोई भूल सकता है क्या? कहिए कैसे आना हुआ? हम लोग आप दोनों से आग्रह करने आए हैं। हाँ हाँ कहिए, हम लोग तो जनता की सेवा के लिए ही हैं। हम लोग तीनों भाई आपस में बंटवारा करना चाहते, आप दोनों आइए और जो उचित बंटवारा हो सो कर दीजिए। ठीक है, कब बैठना हो? कल सुबह आइए तो हम लोग इंतजाम भी कर लेंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग सही समय पर फड़फड़ेले आ जाएंगे। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, क्या मेरा भरा पूरा परिवार टूटकर बिखर जाएगा और दुनिया को यह कहकर हंसने का मौका मिल जाएगा कि भोला अनपढ़ था, सामूहिक पैदावार से घोटाला करता था, इसलिए भाई ने बंटवारे कर लिया। नहीं ना, क्या मैंने सचमुच भैया भाभी का विश्वास खो दिया है? आप परेशान ना हो, आपका नेक नियत साफ है तो दामन पर कभी दाग नहीं लग सकता। हे भगवान, ये टूटते घर को बचा लो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपका दिया स्वस्थ काया है, मैं इसके सहारे जी लूंगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान सब ठीक करेंगे, आप चिंता ना करें। भोला, भोला। जी भैया। कुछ लोग कल देवी माँ के स्थान में आ रहे हैं, पंचायत होगी और वहाँ की सारी व्यवस्थाएं तुम्हें करनी है, और हाँ कल सुबह कहीं जाना मत। ठीक है भैया। पंचायत तो कल ही हो जाती, लेकिन क्या पता कल सुबह तुम कहीं चले गए थे। वो वकील साहब की खेत की कोड़ाई करनी थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा था। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन वहाँ की सारी व्यवस्थाएं कर देना और जल्दी करना। ठीक है भैया। ठीक है।
नैना, कम से कम 20-30 साल में रहेंगे। श्रवण बेटा, मुखिया जी और हम लोग तुम तीनों भाइयों के जमीन बंटवारे के विषय में आए हुए हैं और धीरज बाबू और सूरज बाबू ने जमीन जगह के बंटवारे के पक्ष में अपना विचार दे दिए हैं, तो इस पर तुम्हारा क्या कहना है? बोलो भोला। हम क्या कहें मुखिया जी, हम तो अनपढ़ गंवार हैं। हमारे दोनों भैया ही तो पालनहार हैं, लेकिन बंटवारे की स्थिति क्यों आई यह हम सोच नहीं पा रहे हैं। किस गलती की सजा हमारे दोनों भैया हमको दे रहे हैं, यह जानने को मेरी आत्मा तड़प रही है। हम तो इनकी छत्र छाया में चैन से जी रहे थे। नहीं नहीं बोला, इसमें गलती का सवाल नहीं है। यह तो एक दिन होना ही था। बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनके मन में कई तरह के सवाल होते हैं। मैं तो कहूँगा कि आप दोनों मुझे अपने चरणों के नीचे रहने दीजिए। अगर आप लोगों की पैसे की जरूरत पड़ गई है तो सारा जगह जमीन बेच करके पूरा कर लीजिए। परिवार पर बंटवारा नाम का कलंक मत लगने दीजिए। भोला, बंटवारा होने पर क्या हम लोग भाई नहीं रहेंगे? भोला जी, शांति से जमीन का बंटवारा होने दीजिए। आप पर कोई अविश्वास नहीं हो रहा है कि आप पैदावार में घपला किए हैं, पूंजी बनाए हैं। अगर पूंजी बनाया तो छोड़िए, आज तक जो हुआ हुआ। ये आप क्या से क्या बोले जा रहे हैं, कुछ समझते हैं? अरे बस कीजिए। नहीं भाभी जी, मैंने अनाज का एक दाना भी बेमानी नहीं किया। शंकर भगवान की क्रिया अगर बेमानी की हो तो मेरा इस बेटा से काम नहीं। अरे चुप, पागल हो गया क्या? शांत हो जा भोला। बंटवारा नामा तुम्हारा बन गया है, इस पर अंगूठा लगा दो, तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। 4 बीघा जमीन, 10 कट्ठा बाड़ी और एक गाय भी। उस गाय को बेच करके तीनों भाई को हिस्सा लगा दिया जाएगा और माँ के लिए 10 कट्ठा बाड़ी दे दिया गया और 4 बीघा जमीन तुम लोग तीनों भाई को बांट दिया गया। मुखिया जी, यह हिस्सा लगाना ठीक नहीं है। तो फिर कैसे हिस्सा लगाया जाता है? 3 हिस्से मैं लगाऊंगा और अपने पसंद का हिस्सा पहले मैं लूंगा। अरे आ गए ना तू असली रंग में। हम लोग पढ़े लिखे लोग बुड़बक हैं और आप अनपढ़ गवार मसिया सरपंच साहब का हिस्सा लगाना गलत हो गया। अरे चुप रहिए आप लोग, तुम कुछ ज्यादा ही ना चाहते हो तो हम दोनों भाई अपने हिस्से से अरे तुम्हें कट्ठा दंडा दे देंगे। नहीं भैया, 3 हिस्सा मैं ही लगाऊंगा और अपने मन पसंद का हिस्सा पहले मैं ही लूंगा। अनपढ़ गवार कहीं का हिस्सा तुम लगाएगा? मुखिया जी बस, बंटवारा में हड़दंग डालना चाहता है। धीरज बाबू, अब भोला को भी हिस्सा लगाने दीजिए, जरा हम लोग भी देखें भोला क्या कहना चाहता है। मानने लायक बात होगी तो ठीक है, नहीं तो सोचेंगे। ठीक है भोला, तुम हिस्सा लगाओ और पहले हिस्सा ले लो, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा तुम हिस्सा चाहोगे तो हम तुम्हें नहीं देंगे। बोलो बोला, किस तरह का हिस्सा लगाना चाहते हो? बाप दादा का 4 बीघा जमीन है और 10 कट्ठा बाड़ी है, इसमें 2 हिस्सा लगेगा। पहला हिस्सा 2 बीघा 5 कट्ठा और दूसरा हिस्सा 2 बीघा 5 कट्ठा और तीसरा हिस्सा 1 गैया है और 1 मैया है। यह मैं एक तीसरा हिस्सा गैया और मैया का ही लूंगा। अरे पागल, ये तुम क्या बोल रहे हो? ये कोई हिस्सा हुआ? जमीन नहीं लोगे तो खाओगे क्या? मैं अपना हिस्सा गैया और मैया का ही लूंगा। गैया तो लक्ष्मी है
इसे मैं बिकने नहीं दूंगा। और मैया तो तीनों बेटा को जन्म देने वाली माँ है, वह मेरी तो मेरे स्वर्ग है। मेरे दोनों भैया जमीन का हिस्सा ले लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मास्टर साहब, बस मैं हमेशा चाहता कि मेरे दोनों भाई का सर कहीं भी किसी भी परिस्थिति में ना झुके। मेरा झुक जाए तो झुक जाए। बेटा, तू इस युग का नहीं सत्युग का लगता है। मुखिया जी, बंटवारा नामा बनाइए, मैं उसे लगा देता हूँ। अरे बोला तू तो भाई भरत निकला रे, मैं तेरा भाई राम नहीं बोली। अरे तू तो अनपढ़ और गवार रहकर मुझे बहुत कुछ सिखा गया रे, बहुत कुछ सिखा गया। मैंने तुम्हें गलत समझा। कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। परिवार को टूटने मत दीजिए। धर्म कर्म की बात बताने वाला कोई नहीं। अपने भौतिक सुख की चाहत में सम्मिलित परिवार को तोड़कर लोग अशांत हो रहा है, आत्महत्या कर रहा है, कुंठित जीवन जी रहा है। बच्चे प्रेम प्यार स्नेह की चाहत में घर से भाग रहा है। बच्चों की सही गलत जानकारी के लिए कोई नहीं, संस्कार देने वाला कोई नहीं। संकट की घड़ी में वही साथ देता है। माता पिता सिर्फ पैसे कमाने के धुन में मशगूल रहते हैं। सुख दुख में परिवार का साथ दीजिए। बच्चों को सही दिशा दिखाने वाला कोई नहीं। समाज को टूटने से बचाइए और माता पिता को जोड़े रखिए।